मैं तो माँ हूँ, जन्म दी है, जो कुछ करी है जी को मौसी ने करी है। अच्छा। ये देखिएगा, माता भी जो है वो प्रमोद की भावुक हो चुकी है। उसने अपने दम पर कुछ कर दिखाया है, उसको जो है काफी भावुक जो है वो हो चुके हैं। तो सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ, कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस फॉर स्पोर्ट्स अकेडमी, 9992571111, 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका खेर यहाँ पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोपटा में। चोपटा में आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा तस्वीरें है कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो वो इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे इनके इकट्ठा होने का मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको बताऊँ कि नहराना गाँव से प्रमोद बिजानिया नाम का एक युवा है, जो कि एक हाथ नहीं है, यानी कि पैरा गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया और पैरा गेम में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके, रजत पदक जीत करके वापस लौट रहा है। तो उस खुशी में यहाँ पे DJ बजा करके और ढोल नगाड़े बजा करके, ढोल की थाप पे मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा, देखिएगा कि ढोल पे नाच करके जो है वो खुशी का इजहार जो है वो प्रमोद के परिवार के लोग जो है वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिएगा तस्वीरों में कि महिलाएं किस प्रकार से जो है वो अपने बच्चों को गोदी में उठा करके जो है वो नाच करके खुशी का इजहार जो है वो लगातार कर रही है। आखिर प्रमोद की अगर बात करें तो देखिएगा तस्वीरों में किस प्रकार से प्रमोद को जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ, DJ के साथ जो है वो एक बहुत ही बड़ा सम्मान देने का काम जो है वो गाँव के लोग, आसपास के इलाका के लोग, परिवार के लोग जो है वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में प्रमोद क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको बताएंगे, प्रमोद से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिएगा ढोल पे नाच करके जो है वो यहाँ पर लगातार खुशी का इजहार जो है वो कर रहे हैं। चलिए कुछ बातचीत करते हैं महिलाओं से कि आखिर वो क्या कुछ कहती है। मैं सबसे पहले तो उसकी मेहनत को दाग देना चाहती हूँ, जिसने ये अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर ये सब कर दिखाया है। वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाहर देश में भी छा गया है। उसने अपने दम पर कुछ कर दिखाया है, उसको जो है काफी भावुक जो है वो हो चुके हैं। तो उसका जो हाथ नहीं है, एक हाथ कटा था, कैसे कटा था, कैसे उसने इस सफर की शुरुआत की? जब उसके साथ ये घटना हुई थी तब वह बहुत ही छोटा था, तब उसने अपनी जिद के आड़े ये सब मतलब उसके साथ हुआ है। वो चारा काट रहा था पशुओं के लिए, तब उसके साथ ये घटना हुई थी। वो समय हमारे लिए बहुत ही दुख भरा था, हमारी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। एक बार के लिए उसकी जिंदगी जैसे पलट ही गई है। लेकिन उस दिन के बाद जब आज ये खुशी का दिन है, तो दोबारा से उसकी जिंदगी में आज दीपक जला है, जैसे कि पूरी तरह दिवाली पर जैसे चारों ओर जगमगाहट होती है, वैसे ही हमारे इस एरिया में बहुत ही रोशनी कर दी है उसने पूरे संसार में, पूरे देश में। और हम उसके इस मेहनत के पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। खुशी के मारे हमारे मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक मलाल था कि अब भाई का हाथ कट चुका है तो अब ये क्या करेगा, उसको उसने चुनौती माना और आगे बढ़ा ना? हाँ, उसने चुनौती माना, उसने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मेरा हाथ नहीं रहा है, मैं क्या करूँगा। ये ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा, उसने सिर्फ यही मन में ठान लिया कि तुझे कुछ कर दिखाना है, तुझे अपने दम पर, तुझे किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, तुझे अपने दम पर ही जीना है और अपने दम पर ही दुनिया को कुछ कर दिखाना है। ठीक है, तो वो मन में ठाना और वो कर दिखाया। हाँ, मन में ठाना और कर दिखाया। आप उनकी सिस्टर हैं अभी? हाँ, मैं उसकी बुआ की लड़की हूँ। अच्छा, बुआ की लड़की हो, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है वो पूरे देश में नाम रोशन करके आए। भाई को बहुत बहुत बधाई कि उसने सिल्वर मेडल विन किया है, और हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा पूरा जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, इवन हमारा भारत, उस पर बहुत ही गौरव महसूस कर रहा है। यानी जो डिसेबिलिटी थी उसको उसने आड़े नहीं आने दिया,
दिया। कोई भी पर्सन अपनी डिसेबिलिटी को आड़े नहीं आने दे, अपनी मेहनत करे और हार्डवर्क से कुछ भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, और ऐसा ये जो भाई ने कर दिखाया है। ठीक है, चलिए अब उसकी माता जी है उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, देखिए क्यों चाहूंगा बच्चों जो को है पूरे देश में छा गयो, पूरे देश में नाम रोशन कर दियो। हाँ, पूरा देश में नाम रोशन कर दियो जी। दिन दिन तो बड़ी गुणियों खेला गई, चारा की मशीन में हाथ आ गयो 14 साल को। हरी भी सारे देश में नाम रोशन कर दियो, सारा की बोली लगवा दी जी। वो दुख भूल गया अभी? हाँ, ये दुख भूल गया जी, जब तो पहले बहुत दुख याद हो जी। तो बी टाइम के लाग गयो या हो भी अब छोरे को के बने गो जन हाथ ही कट गयो? हाँ, हाथ कट गयो। दिन दिन तो यहाँ लगे भी जी के बना गो मन छोरा हिम्मत राखी जी, माने याद को नहीं आन दी कोई बात। पूरी मेहनत करी आपकी। छोटी मेरी बहन है भी मौसी है पर मौत की, मैं तो माँ हूँ जन्म दी है, जो कुछ करी है जी खुमासी नहीं करी है। ये देखिएगा माता भी जो है वो प्रमोद की भावुक हो चुकी है। चलिए कुछ और परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं। प्रमोद के बारे में बताइएगा, कैसे मेहनत करता था? हमारे पड़ोस में ही है, हमारा बेटा जैसा है प्रमोद। और जिस दिन उसका हाथ कटा तो उस टाइम हमें इतना दुख हुआ कि आज ये बच्चा हाथ कट गया कैसे कामयाब होगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत के बल पर आज अपने देश का नाम रोशन कर दिया और हम सभी को गर्व है। आज हमें बहुत खुशी है और हम हमारे यहाँ सब आए हुए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रमोद को बहुत बहुत बधाई हो, दुनिया में नाम रोशन किया है, ऐसे ही करता रहे दुनिया में। अंकल जी के कुछ कहना चाहूंगा, थारो बेटो जो को है वो आपकी जो एक डिसेबिलिटी बिन चैलेंज करके आज पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आई प्रार्थना करूं जी, हर युवा बच्चा हूं भी प्रमोद की त्रिया आपको माँ बाप को नाम रोशन करे जी, नशों दूर रहे, और प्रमोद की त्रिया आपके जुनून पर कॉम्पिटिशन रखे। माने तो जी विश्वास हो बच्चे पर भी एक दिन देश में नाम रोशन करेगा। अच्छा, तो अभी मान लो लागो था ना कभी भी इतना बड़ो नाम रोशन करेगा? बिल्कुल जी, माने जुनून हो जी। अच्छा, हाँ। तो के क्योंकि लगातार हाथ कटने के बाद में हाँ जी, लगातार हाथ कटने के बाद हमने उसमें वो देखा कि हमारे पास टाइम कम देता था, ग्राउंड में ज्यादा देता था जी वो। ठीक है, तो मैंने ये भी सुना है कि जब हाथ उसका कटा था तो वो रोया नहीं और अपने आप ही वो मोटर बंद कर दी उसने। अपने आप मोटर बंद कर दी जी। उसका हाथ कटने के बाद हम घर पर थे, उसकी मम्मी और मैं दोनों रात को बच्चे के थोड़ी वो देख के हालात है, हम रोने लगे तो बच्चे ने उठ कर नहीं कहा अभी पापा मम्मी रो मत, मैं एक दिन आपका नाम रोशन करूँगा। उसी दिन से उस बच्चे ने अपने खेल के ऊपर ध्यान दे दिया था जी। ठीक है। तो अभी मतलब लगातार प्रैक्टिस करता? बिल्कुल है जी, बिल्कुल लगातार करता रहे जी। ठीक है, तो ये जो है वो देखिएगा लगातार जो है वो यहाँ पे मैं आपको चारों तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पूरा इलाका जो है वो प्रमोद के स्वागत के अंदर जो है वो यहाँ पे उमड़ पड़ा है। उसके बाद उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देख कर राजेश जी कोच उन्होंने तैयारी करवाई जी, उनसे अपने लुधियाना से सीनियर कोच भरत सिंह जी पूनिया NIC कोच थे जी, उन्होंने भी तैयारी करवाई तो बच्चे ने अपने काउंटर से नाम का नाम देश का नाम कमाया जी। सभी देश का नाम, सभी गांव वासियों को बधाई है जी, सभी सर से दी लगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा, देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आसपास के इलाके से लोग जो है वो उमड़े हैं और खास करके ट्रैक्टर लेकर के जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा करके जो है वो इस युवा का और ज्यादा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, युवा का स्वागत किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बुजुर्ग महिला और है जी, क्या कुछ कहना चाहूंगे? बुआ हूँ, बुआ हूँ, बुआ हूँ, पांजीरे बेड़ी हूँ। अच्छा, आपको बहन भाई लकड़ी काटा, आपको बहन भाई लकड़ी काटा तो आपको भतीजों ने हाथ कटेड़ा तो देखो कोशिश करी पूरी 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 कोशिश करी, मेरा भाई बिन देखे आंखें में आंसू आ गया, आंसू आ गया तो दे मेरी भाभी ने कहा पानी लिया, पानी लिया के मेरे बहन भाई पानी पीने लग गया, प्रमोद को मार पास बुलाया, प्रमोद को देख गया आपका पिताजी का मम्मी का
देख के न्यू बोलिया कि पापा पानी कैसे आया थारा, बोले प्रमोद कौन आया मेरा, बोले आया थे झमझम करता हूँ आंखें, प्रमोद यहाँ बोले हो कि आपको आंसू देखना नहीं चाहते हूँ मैं, सब बात में नाम कमा दूंगा, सबका कष्ट दूर कर दूंगा, प्रमोद की आगे आगे पूरी पूरी कोशिश हो। प्रमोद ने जो मेडल जीता है आज पैरा ओलंपिक पैरा एशियन गेम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखो जी, बहुत गर्व की बात है, जब इसका हाथ कट गया था तो सब उदास थे, और वहां से खड़े होकर आज इस मुकाम पर पहुंचना एक बहुत बड़ा काम है और सबके लिए आदर्श भी है। लोगों को इससे सीखना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए छोटी मोटी बातों से, और पूरे गाँव का नाम रोशन किया है, दोपटा ब्लॉक का किया है, सिरसा जिले का किया है, आज हमारा सिर ऊंचा किया है और बच्चे इनसे सीखे, यही दुआ करता हूँ, और भविष्य में ओलंपिक में जाएं और गोल्ड मेडल लेकर आए। प्रमोद को जो का सफर है वो किया हो रहे हो के स्थिति बिंगीर थाने के लागो भी इतरिया वो नाम कमा दे ना जी। आ तो बहुत ही मतलब मुश्किल और गंभीर समय हो, जद की छोटी सी उम्र ही बच्चा को हाथ कटियो, तो हाथ कटने के उपरांत की हो कभी सगड़ा यहाँ हो गयो कभी ई न हूं, तो परमात्मा जे दो मिनट के लिए भाई ओ तो ना हाथ कटने की वजह थोड़ा सा छोड़ दिया तो भी बहुत हो जा, बाकी बाहर न चाहे डॉक्टर बोले भाई ओ तो हाथ थोड़ी लंबी दूरी काटना पड़े, वो जद जागे वो बच्चो कामयाब हो सका है तो कामयाब नहीं है, तो फिर परमात्मा की ऐसी मौज हुई इन सदबुद्धि मिली, ओ भाई खेल कानी प्रेरित इन करे गयो, और घर की कंडीशन भी कुछ अच्छी को नहीं, क्योंकि सेम वो एरियो दाना भी कम होया, फिर भी आवे माँ बाप इतनी कोशिश और लगन करी कभी कुकरी करके बच्चों कामयाब हो जा, तो इन दौरान सगड़ी जी जानू इंगी इतनी मतलब जितनी भी आवश्यकता ही सगड़ी पूरी करी, खैर आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ अन बच्चे भी बहुत ही आपके फर्ज ने निभाते हुए और बहुत ही प्रयत्न करियो। हाँ हाँ जी भाई साहब, सबसे बड़ा इसके चाचा का हाथ था, इसमें सबसे बड़ा इसके चाचा का हाथ था जो आज उसको हौसला बढ़ाया, आज ही वो स्टेट पे पहुंचा है, क्यों इसका चाचा तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, आज उसका चाचा होता और गर्व होता, क्यों मेरे मामा था भाई छोटा थे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रमोद बिजारनिया की इस मेहनत के पीछे जो है वो सबसे बड़ा अगर हाथ था तो उसके परिवार के लोगों का था, उसके माता पिता का था, उसकी बहन का था, और सबसे बड़ा अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रमोद बिजारनिया की हिम्मत को सलाम यहाँ पे करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रमोद बिजारनिया के जो कोच थे एसआई राजेश कुमार हैं, और इसके साथ साथ भरत सिंह पूनिया है जो कि सीनियर कोच हैं, उन्होंने जो है वो दिशा निर्देश दिए और प्रमोद जो है वो उनके नक्शे कदमों पे उनके बताए रास्ते पे चला, और आज जो है वो प्रमोद जो है वो पूरे देश के अंदर जो है वो नाम रोशन करके वापिस यहाँ पे पहुंच रहा है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूँ तो 12 साल की उम्र में 8 साल पहले जो वो प्रमोद का हाथ जो है वो कट चुका था, उसके बाद उसने अपने इस कटे हाथ को एक मजबूरी ना मानते हुए उसको चुनौती समझा और चुनौती का इस प्रकार से सामना किया कि आज पूरा इलाका प्रमोद के स्वागत के अंदर जो है वो यहाँ पे उमड़ा हुआ है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के प्रमोद की सहमत हौसले जज्बे और जुनून को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।